हेलो एवरीवन, कंप्यूटर गुरु हब में आपका स्वागत है। आज जो हम सिस्को पैकेट ट्रेसर पे जो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वो है डीएचसीपी सर्वर बनाना या डीएचसीपी सर्विस जो है अनेबल करना। तो उसके लिए मैं पहले क्या करूंगा, एक छोटा सा लैन सेगमेंट बनाऊंगा और उसमें एक सर्वर इंस्टॉल कर दूंगा। तो छोटा लैन सेगमेंट बनाने के लिए हमें पता है कनेक्टिविटी करने के लिए हमें एक स्विच रिक्वायर्ड होगा। हम यहाँ पे जो स्विच ले रहे हैं वो है 2960-24TT स्विच। फिर उसके बाद मैं कुछ एक एंड डिवाइसेस लेना चाहूंगा। तो जिस तरीके के एंड डिवाइसेस हैं ये टोटली आप पर डिपेंडेंट है, आप किस तरह के एंड डिवाइसेस जो है वो लेना चाह रहे हो। तो यहाँ पे मैंने जो है अलग अलग तरह के डिवाइसेस जो है वो ले लिए। फिर मुझे क्या करना होता है, एक सर्वर बनाना होता है। तो सर्वर के बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक जेनरिक सर्वर लेते हैं। फिर इन सब का हमें इंटरनेट कनेक्ट आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। और मुझे पता है अगर अलग अलग डिवाइसेस हैं तो हम कॉपर स्ट्रेट थ्रू के इनको साथ इनको कनेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे बेसिकली हर एक अपने सिस्टम को कनेक्ट कर देते हैं। अब मुझे पता है अगर मैं अपना सिस्टम कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने नेटवर्क के पोर्शन को अलग अलग कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं देख सकता हूँ जो मेरे ये हैं ये सारे अलग अलग डिवाइसेस मेरे साथ कनेक्टेड हैं। तो हमें सबसे पहले अगर डीएचसीपी सर्विस चलानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपना एक सर्वर जो है वो कन्फिगर करना पड़ेगा। तो सर्वर कन्फिगर करने के लिए हम सबसे पहले उसके ऊपर क्लिक करेंगे और हमें पता है हर एक नेटवर्किंग डिवाइस की अपनी अपनी आईपी एड्रेस होती है। तो हम सबसे पहले इसका एक आईपी एड्रेस दे देते हैं। इसको देते हैं 192.168.0.2। इसको हम 2 देंगे क्योंकि जो 1 वाला एड्रेस है वो डीएचसीपी सर्विस के सर्वर के लिए या अपने डिफॉल्ट गेटवे के लिए रिजर्व रखना चाहता हूँ। तो हमें यहाँ पे देना है इसमें डिफॉल्ट गेटवे देना। तो आपने इसको आईपी स्टेटिक असाइन करनी है 192.168, इसको आईपी एड्रेस देनी है और डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस हमें यहाँ पे जरूर प्रोवाइड करवाना है। तो मैं अपने सिस्टम को आईपी दे चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इस पे मैं डीएचसीपी सर्विस को अनेबल करूँ। तो डीएचसीपी सर्विस को अनेबल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्विसेज में जाना पड़ेगा और यहाँ पर डीएचसीपी सर्विस को सबसे पहले हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद जो डिफॉल्ट गेटवे हमने दिया था 192.168.0.1, तो ये हमने इसको डिफॉल्ट गेटवे दिया था। फिर आती है डीएनएस सर्वर की। डीएनएस सर्वर में आप चाहो तो लॉजिक आईपी डाल सकते हो या अपनी प्राइवेट आईपी डाल सकते हो। 8888 जो आईपी यूज होती है वो इंटरनेशनल जो इंडिया के लिए यूज की जाती है वो जनरली ये है। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं ये आईपी भी चेंज कर सकता हूँ। फिर उसके बाद हमें पता है डॉट वन में डिफॉल्ट गेटवे के लिए यूज कर रहा हूँ, डॉट टू मैंने सर्वर की आईपी दे रखी है। फिर जो अगर मैं डीएचसीपी सर्विस अनेबल करता हूँ तो बाकी का एड्रेस कहाँ से शुरू होगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, बाकी का एड्रेस 3 से मैं इससे स्टार्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से हम 3 से सेव करते हैं तो उस डिफॉल्ट कन्फिग्रेशन का हमें सेव करना होगा। जैसे ही मैं सेव करूंगा मेरा कन्फिग्रेशन सेव हो जाएगा। इसका मतलब अब डीएचसीपी सर्विस मेरे सिस्टम से चल रही है। अब बाकी वाले सिस्टम को मैंने चेक करना है कि ये डीएचसीपी से इन सब सिस्टम में जो है आईपी एलोकेट होती है या नहीं होती है। तो सबसे पहले वाले पीसी पे कनेक्ट करेंगे डेस्कटॉप में इसके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में। अब तक हम स्टैटिक आईपी देते आ रहे थे, अब हम डीएचसीपी पे अनेबल करेंगे। तो सबसे पहले रिक्वेस्टिंग फॉर डीएचसीपी, अगर डीएचसीपी सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डीएनएस सर्वर डिफॉल्ट गेटवे इन सब का एड्रेस उसने बाय डिफॉल्ट पिक कर लिया और उसके साथ साथ इसने क्या कर लिया, लिंक लोकल एड्रेस भी चूज कर लिया। तो इस तरीके से मैं अपने सारे सिस्टम को आईपी असाइन कर सकता हूँ डीएचसीपी सर्विसेज के थ्रू।
तो इस तरीके से हमने ये चेक कर लिया कि मेरे जितने भी नेटवर्किंग डिवाइस है सबको एक आईपी असाइन हो गई है, सबके डीएचसीपी रिक्वेस्ट जो है वो फुलफिल हो गई है। अब मुझे अगर इनको चेक करना है कि आपस में सिस्टम कनेक्टेड है या नहीं है, तो मैं किसी एक सिस्टम से लेकर किसी दूसरे सिस्टम की आईपी को कॉन्फिग कर देता हूँ। मैं इस वाले सिस्टम पर वर्क करता हूँ, मुझे पता है इसकी आईपी है जो 3 है और बाकी वाले सिस्टम की आईपी क्या है 8 तक है। तो मैं यहाँ पे से कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊंगा और इससे दूसरे वाले सिस्टम को कॉन्फिग करूंगा 192.168.0.3 इस वाले सिस्टम की है, तो इससे अगले वाले की पोर्ट 4 को पिंग करता हूँ मैं। तो इसका मतलब मेरा 4 पिंग हो रहा है, तो दैट इज सक्सेसफुली कनेक्टेड टू इंटरनेट। 5 भी एड्रेस पिंग हो रहा है। तो इस तरीके से हम अपने सारे एड्रेसेस को चेक कर सकते हैं कि वो नेटवर्किंग में पूरा प्रॉपरली नेटवर्क काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब मैं अपने सिस्टम की सारी आईपी चेक कर चुका हूँ और वो आईपी हर एक सिस्टम वर्किंग है। इसका मतलब मेरा डीएचसीपी सर्वर जो है वो अनेबल्ड है। अब मैं यहाँ पे जाऊँ तो अपने सर्वर को भी पिंग करके देख सकता हूँ, इट मीन्स मेरा नेटवर्क जो है वो फुल्ली कनेक्टेड है। तो इस तरीके से हम डीएचसीपी सर्विसेज जो है वो अनेबल कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। अगर आपको सिस्को पैकेट ट्रेसर की ये वाली वीडियो पसंद आई है, अगर आप ये चाहते हैं कि इसके ऊपर आप और भी वीडियो देख पाएं, तो उसके लिए आप वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल की हर एक अपडेट को जानने के लिए उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के कंप्यूटर गुरु हब के ट्यूटोरियल में इतना ही। सो थैंक यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।